अब यहां से मैंने ले लिया है लेफ्ट और हम आपको बताएंगे नहीं कि हम किस रोड पे हैं। आप खुद बताइए किस रोड पे है। सेंट एंड्रो चर्च है यहाँ पे और इतना सारा सरकार का खर्च है यहाँ पे कि सरकार को दिखते ही नहीं है। इतना बड़ा चर्च की क्या जरूरत है भाई साहब, क्या जरूरत है। रागा रॉयल रेसिडेंसी। होटल मयूर। इन सब से होके हम अभी गुजरेंगे लेकिन जिस काम के लिए आया यार वो दिखी नहीं। यार यहाँ बस वाले जो ना अपना पूरा दुनिया लेके निकलते हैं और जब निकलते हैं ना उसको पता ही नहीं रहता उसका मुंह कहाँ है और उसका बाकी पार्ट कहाँ है। ठीक है तो मुझे जाना है ऊपर क्योंकि मैं नीचे अगर गया ना तो मैं फिर से यू टर्न लेके उधर ही चला जाऊंगा जिधर से भी मैं आया हूँ। तो मुझे इधर से ही जाना पड़ेगा और जो मैं देखने आया था वो तो मिला नहीं लेकिन वो होता ऐसा है कि आपको बताता हूँ कहानी। वो लोग क्या करते हैं जो भी करते हैं वो यहाँ से लेके इस तरफ आते हैं जो है पुलिस वाले भाई साहब को। ओह माय गॉड, मैं कौन सा गलत साइड पकड़ ले मेरे को भी नहीं मालूम। बाप रे, यहाँ पे बस जाने लगता है यहीं से बन के निकलती है। ये सारी जितनी भी गाड़ी है ना ये होती हैं जो दूर जाने वाली होती हैं। ये सारी गाड़ियाँ जो है ये मैं थोड़ी लाइट को सीट ठीक कर रहा हूँ। ये सारी अब जो सारी दूर जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं और इसमें सबसे बुरी बात ये है मुझे लगती है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ उसमें लिखी नहीं रहती हैं। बहुत कम में लिखती। ये देखिए इस तरफ ये सब चलता है ये काम। हाँ तो बढ़िया चल रहा है बड़े बड़े ना।
अब आपको दिखाऊंगा कि ये क्या इधर 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 ना पूरा अजीब सा घर होता है इस तरफ, और ये लोग ना इधर ही आते हैं। हाँ, इसमें 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 आते हैं। देखिए, मैं दिखाता हूँ कि लोग कैसे घर पे लेके, किस टाइप का घर होता है इन लोगों का जहाँ पे लेके आते हैं। ऐसे घरों में लेके आते हैं और अंदर ले जाएंगे यहाँ पे, इसमें इसमें यही यही यही। अब मैं इसके घर पे ही आ गया हूँ। ठीक है, यही घर है शायद, नहीं ये नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। लेके आएंगे और फिर मार पीट के पैसे छीन लेंगे, मोबाइल वोबाइल कुछ भी चाहिए होगा छीन के भगा देंगे। मार्शल, वाव, एक गाड़ी, एक जमाने की एक बहुत खूबसूरत गाड़ी। ले ऊर्जा, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है मुझे यहाँ पे। यहाँ तो होता यूं है, एक दो तीन, तीन छोड़ के चौथे वाले में जाना है, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। इसलिए मैं काउंट करता हूँ कि कितना छोड़ के, ये देखिए जैसे है 1 2 3 छोड़ के फोर्थ में जाना है। समझे कैसे पता करना है? बुल्लू जैसे जैसे जाता है ना वैसे जाना है हमको। ओ, माय गॉड, मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत जगह आ गया हूँ। ये है रेस कोर्स रोड और उधर है कुमारा कृपा रोड। तो मैं जो जाऊंगा मैं पहले चेक करूंगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा या स्ट्रेट जाऊंगा। मुझे सीधा जाना है और लेफ्ट साइड रास्ता छोड़ के जाना है। लेफ्ट साइड जगह है ना रास्ता, एरो, तो ये एरो लेफ्ट साइड वाला छोड़ के जाना है। एक रोड छोड़ा, दूसरे में गया है ना, अरे समझ। तो एक रोड छोड़ दिया, दूसरे में चल दिया, दूसरे में चलूंगा तो ये फ्लाई ओवर है। ठीक है, दूसरे के बाद ये उस तरफ से आने का रास्ता, बीच में डिवाइडर है, उस तरफ आने का रास्ता, बीच में डिवाइडर। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ आराम से। देखिए, शायद ये भी मेरे साथ लोकेशन चल रही होगी। ये देखिए सी रॉक, सी रॉक मीन्स व्हाट? ये देखिए, वाओ, यहाँ पे होते हैं भोजन की व्यवस्था, वो भी सी फूड की, है ना? तो यहाँ पे टूलेट्स, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स तैयार हो गए हैं। अगर आपको ऑफिस की जरूरत है तो आ जाइए यहाँ पे, खोलिए ऑफिस। और अगर सच में आपको जरूरत है और मेरे से जो सस्ते में चाहिए तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको सस्ते में कमर्शियल जो है ना प्लॉट्स दिलाऊंगा। कमर्शियल प्लॉट्स में कमर्शियल 1 BHK 2 BHK या फिर जैसा पूरा कमर्शियल दुकान है, 1 2 3 4 5 6, बस आप बोलो कि चाहिए कितना भाई साहब। अब मैं, लेकिन मैं जाऊंगा लेफ्ट। देख रहे हैं कुछ नजारे, देखिए नजारे, और यहाँ पे मैं लगा दिया नजारे को, देखे तो ऐसा लगा है। अब सोचो, ये है
बैंगलोर एक्चुअल में, कि एक लड़के आगे दो लड़के पीछे, मस्त चल रही है ना। कहते थे जब 10 हजार तभी तो मानूंगा जब हमारी एक बेटी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अकेली चली जाए और उसे किसी तरीके का जो है ना मतलब डर फील ना हो। आज जो देख रहे हैं आप, वाह दीदी वाह, स्कूटी ली और निकल गई जबकि रात के बज रहे हैं 11:30। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 11:30 बजे जो रात में निकला हूँ इसलिए मुझे कुछ मिला नहीं। 2-3 बजे रात में अगर निकलता तो शायद कुछ मिल पाता। इन्होंने अपनी स्कूटी को तेज भगाई और ये आ गई मेरे कैमरा के रडार में। तो हमारे कैमरा ने उनको लगता है कैप्चर कर लिया है, समझे? तो हम जाएंगे इस तरफ। ओके okay? ये कार वाले तो इतनी तेजी से चलते हैं ना भाई साहब, लगता है कि इनकी तो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक रोड छोड़ के चलना है क्या? नहीं, कोई उपाय नहीं है, आगे से जाने का कोई उपाय नहीं है, इसी रोड से जाना पड़ेगा, है ना? इसी रोड से जाना पड़ेगा। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि एक रोड छोड़ दिया मैंने, लेकिन नहीं, ये सही है। ये सोपा स्कूल है, ये बसवा स्मृति है। और मैं जाऊंगा किधर? मैं जाऊंगा, देखो इसमें भी क्या है, दो रोड छोड़ना है। क्या करना है? दो रोड छोड़ना, हाँ इसमें जाना है, दो रोड छोड़ना है, एक वो छोड़ा एक वो छोड़ा, दो रोड छोड़ के थर्ड में चल दिए, है ना? ओह माय गॉड, मैं सही जगह पे आ गया लगता है ऐसा। मैं एक्चुअली मैं वैसे राइट लेके चल रहा हूँ लेकिन मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, क्योंकि देख लेना कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। पक्का? ठीक, चलिए, क्योंकि मुझे आगे भी चल के लेफ्ट टर्न ही लेना है। और दूसरी चीज क्या है कि मेरी स्पीड उतनी नहीं है कि मैं राइट चलूँ, क्योंकि राइट में वही चल सकते हैं ना जिनकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि वो ओवरटेक करने वाले रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना भी लेफ्ट नहीं चलूंगा कि मेरी वीडियो अच्छी ना आए, क्योंकि रात का मौसम है, मुझे बीच रोड का वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे यू टर्न, वो भी गजब का। अब ये क्या है? वर्क फेला पता क्या होता है? इसके बगल में एक होटल है बहुत खूबसूरत, नवा स्मार्ट आश्रय इंटरनेशनल होटल जिसको बोलते हैं। वाह ये होटल है यार, व्हाइट हाउस लेडीज क्लब, ये नाइट फ्रैंक, और यहाँ सामने में है पारस हॉस्पिटल। आप अगर पारस गए होंगे, कहाँ के? ये द टच ऑफ लाइफ, बगल में पारस हॉस्पिटल, वुमेन चिल्ड्रन सब यहाँ पे। अगर आप पटना के पारस गए होंगे तो शायद आप देखे होंगे और यहाँ का पारस देखिए ये है। बस आजकल के हॉस्पिटल तो बस होटल से भी कुछ कम नहीं है भाई साहब, ऑलमोस्ट होटल ही है। मैं कहाँ आ गया हूँ? हाँ, नदी का किनारा। ये
और से जाऊंगा स्ट्रेट, मैं भी सीधा चलूंगा। बस 2 सेकंड के टाइम के बाद है, एक मेरे जैसा भाई मिला, उस कुत्ते ने उस पे भोंका, उसने भी कुत्ते की तरफ भोंक दिया, कुत्ते को भी मजा आ गया। और मेरी बैटरी जो है वो हो गई है लो। अच्छा, यहाँ से जैसे आप निकलेंगे ना, तो यहाँ से आपको स्पोर्ट स्टार इन सब की जो है, आपको द हिंदू ग्रुप की सबसे पहले तो आपके न्यूज़पेपर का आपको दिखेगा ऑफिस, और कनिंगम रोड इसको बोलते हैं इधर तो, और सी एस फार्म हाउस है राइट साइड में, और स्ट्रेट चलते चलिए प्लान स्ट्रीट राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सुरॉक ग्रो, ठीक है। तो ये कावेरी एग्जिबिट्स में समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है, तो एग्जिबिट्स बनाई है एग्जिबिशन से, तो ऑब्वियसली ये जो यूनियन स्ट्रीट है इसमें तो दुकान ही होगा, नवीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा। श्री बालाजी, ये वी वर्क, वी वर्क का वर्क स्पेस होता है जहाँ पे लोग अपना काम करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ से राइट लूँगा, और यहाँ कोई सिंगल डबल कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है, मेरे को ये क्या हो गया मेरे साथ, आगे चल के मेरे को लेना पड़ेगा राइट, है ना। तो सीख गई है, सीख गई है, सीख गई है, सीख गई है। सीख गई है, सीख गई है। गिरता तो अच्छा होता, आपको नया मोबाइल मिलता। तो मात्रा नाम मात्रा सेंट एंड्रो चर्च है यहाँ पे, और इतना सारा सरकार का खर्च है यहाँ पे कि सरकार को दिखते ही नहीं है, इतना बड़ा चर्च की क्या जरूरत है भाई साहब, क्या जरूरत है। इसमें कौन सा भगवान की आपने तस्वीर लगा रखी है, कौन सा भगवान आता है यहाँ पे। आपको प्रार्थना करने की एक जगह चाहिए थी, एक छोटा सा हॉल बनाओ आराम से रहो, लेकिन नहीं भाई साहब, फिजूल खर्चे की तो पाखंड का कोई जगह नहीं है ना। पाखंड के लिए एक बड़ा सा चाहिए, काफी सारे तोप जैसे ऐसे ऐसे ऊपर में बनाइए, रॉकेट लॉन्चर जैसा कुछ सीन बनाइए, उसके बाद आप उसमें रहिए। ये सब चीजें हैं यहाँ की जाना जो थोड़ी इरिटेट करती हैं, ठीक है। ये है हमारा सप्लाई डिपोट बैंगलोर, किस चीज का सप्लाई आप सोच सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। नहीं सोच सकते हैं तो मत सोचिए, क्योंकि मैं इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं।